मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. आज हम लोग मॉड्यूल 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज़ का, राइट. और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि आपको कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है और किन बेसिस पे करना है. क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मेरे लिए बढ़िया रहेगा, या AWS अच्छा रहेगा, या गूगल क्लाउड मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये हम किन बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम इस सीरीज में, इस मॉड्यूल में ये पढ़ने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं. तो ये हैं दोस्तों लर्निंग आउटकम्स. इसमें कुछ चीजें हैं, ये अभी सबके सब डिस्कस करेंगे, तो अभी हमें यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं है. ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ओके. ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आप ये टॉपिक्स देख सकते हैं आपकी बुक में, ये टॉपिक जहाँ भी हैं, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स यहाँ से इस वीडियो में पढ़ सकते हैं, राइट. तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें. क्लाउड एडॉप्शन ऑफर्स मेजर IT एंड बिजनेस बेनिफिट्स टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. ऑन दी अदर हैंड, क्लाउड एडॉप्शन पोजेस सम यूनिक एंड सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट एंड कॉम्प्लिकेशंस, राइट. यानी क्लाउड आने से बेशक IT इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा हुआ है. लाइफ इजी हो गई है इंडस्ट्री में, जो पहले इतना सारा हार्डवेयर हैंडल करना पड़ता था, अभी आपको कुछ भी हैंडल नहीं करना पड़ता है, क्लाउड सब कुछ खुद से हैंडल करता है. लेकिन क्लाउड में जो हमेशा से एक इशू रहा है, जिसपे अभी भी रिसर्च चल रही है, बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, वो है सिक्योरिटी. क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा खतरे में रहती है. उसका रीज़न ये है कि आपका डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल रहता है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, राइट. क्योंकि डेटा क्लाउड पे है, वो आपके पास नहीं है, आपके प्रमिसेस में नहीं है, राइट. तो क्लाउड पे जो सबसे बड़ा इशू आता है, वो आता है सिक्योरिटी थ्रेट्स का एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस का. सेकंड है, मूविंग द सिक्योर डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू द हैंड्स ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन थेफ्ट एंड हैंस द ऑर्गेनाइजेशन मे लूज इट्स मार्केट पोजीशन टू इट्स कॉम्पिटिटर. ऑब्वियसली अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है, तो कंपनी को तो नुकसान होगा ही होगा, आपके कॉम्पिटिटर को भी मायने मुनाफा हो सकता है. बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी साख गिरेगी, आपका भरोसा कम होगा, कस्टमर्स आप पे भरोसा कम करेंगे और दूसरी कंपनी पे ज्यादा भरोसा करेंगे. तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को बहुत मेजर बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है. सिक्योरिटी में कोई किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि थेफ्ट होता है, चोरी होती है डेटा की, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. तो आज यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है कि कौन सा क्लाउड बढ़िया है, कौन सा नहीं है, क्या रीजन्स है, राइट. ए ब्रीफ अबाउट लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. द मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर CIOs इज द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीडम दैट इट ब्रिंग्स इन. वंस द डिसीजन टू एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी हैज बीन मेड, Organizations begin to enjoy no commitment working model of the cloud. देखिए, आपको समझना पड़ेगा क्लाउड आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हैं एक हमें टेक्नोलॉजी मिली है, क्लाउड एक ऐसा रिसोर्स मिला है यार, आप उस पर वर्चुअल मशीन बना सकते हो, आप उस पर स्टोरेज ले सकते हो, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, एक बकेट का ही साइज 5 TB का होता है AWS के अंदर. 5 TB अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरेज है, राइट. तो क्लाउड पे आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, और आप सर्वर्स बना सकते हो, बहुत बड़े और हाई एंड सर्वर्स, हाई प्रोसेसर सर्वर्स, प्रोसेसिंग सर्वर्स आप बना सकते हो. तो क्लाउड पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. क्या चैलेंजेस हैं वो हमें देखने हैं. While measures pertaining to security, compliance and the like can be handled through the journey, the first step towards adopting cloud start with evaluating the market option for the right cloud provider. The cloud industry today has a tantalizing array of cloud vendors offering IaaS, PaaS and SaaS solutions. Before we begin exploring the various criteria to be satisfied by cloud service provider, let us have a look at the topmost player in the industry. Right? तो आपने कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, और कौन से टॉप प्लेयर हैं इस फील्ड में, आइए वो हम देखते हैं, राइट. ये देखिए, ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं. AWS जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय मार्केट का, सबसे ज्यादा
जो कस्टमर है वो AWS के पास ही है, और यही वजह है कि जेफ बेजोस इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो सेकंड नंबर पे है इस समय, और इनका भी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है और AWS से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इनके पास अवेलेबिलिटी जोन और रीजन्स है, AWS से भी ज़्यादा रीजन्स इनके पास हैं, यानी कि इनके डेटा सेंटर दुनिया में ज़्यादा जगह मौजूद हैं इन कंपेरिजन टू AWS। उसके बाद जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है गूगल क्लाउड का, जो अभी मार्केट में धीरे धीरे एंटर कर रहा है, काफ़ी जगह है भी बट उतना पॉपुलर नहीं है, राइट। बट गूगल क्लाउड नो डाउट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाला है AWS को और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को। उसके अलावा सेल्स फोर्स एक मार्केट लीडर है सैस ऑफरिंग्स में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में बहुत अच्छा लीडर है ये। और अलीबाबा जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और जैक मा जो इसके फाउंडर हैं, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपको मालूम है कि जब भी अलीबाबा अपनी सेल लगाता है सिंगल डे सेल, उसमें ये 8 से 10 मिनट में ही अरबों रुपए की सेल कर देते हैं, और घंटे भर के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। 1 घंटे के अंदर इन्होंने अरबों रुपए की सेल करके रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी एक मार्केट में एंटर कर रहे हैं अलीबाबा, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंज देने वाले हैं ये सभी को। तो इसीलिए मैंने अलीबाबा को सेंटर में रखा है, क्योंकि ये सबके लिए चैलेंज एक क्रिएट करने वाले हैं। इंडिया के अंदर इनका डेटा सेंटर बन गया है मुंबई में, तो लेट्स सी कि कब से ये मार्केट में बाकी लोगों को एक अच्छा कंपटीशन देना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों ये टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, और ये सारे के ही सारे पब्लिक क्लाउड हैं, राइट। ये पब्लिक क्लाउड ऑफरिंग्स आपको देते हैं, कोई भी इनसे सर्विसेज ले सकता है, और किसी भी तरीके की सर्विस, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, आप वो सर्विस इनसे ले सकते हैं, राइट। तो ये इनके कुछ खासियतें हैं, जैसे AWS है मार्केट लीडर है IaaS ऑफरिंग में, माइक्रोसॉफ्ट है ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये आपको प्रोवाइड कराता है, साइड बाई साइड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करा रहा है आपको। गूगल है, गूगल का स्टोरेज बहुत फेमस है, गूगल स्टोरेज, तो उसके लिए ये फेमस है, और हालांकि ये IaaS ऑफरिंग्स भी देता है, राइट। सेल्स फोर्स जैसे कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका CRM सॉल्यूशन भी बहुत फेमस है, राइट। रेड हैट ओपन शिफ्ट अभी मार्केट में नया है, कुछ ही साल पहले एंटर किया है, एक ओपन सोर्स पैस प्रोवाइडर है, और ये भी काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, राइट। IBM भी मार्केट में है बट फेमस नहीं है। अलीबाबा अभी नया है, लेकिन होपफुली इसकी पोजीशन जो है मोस्ट प्रोबेबली 3rd नंबर पे आ जाएगी, गूगल नीचे आ जाएगा और अलीबाबा ऊपर आ जाएगा, राइट। तो 3rd नंबर पे अलीबाबा आने के चांसेस पूरे पूरे हैं अगले 2-3 सालों में, राइट। तो दोस्तों ये टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपको याद होने चाहिए, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम बताइए या पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताइए, तो आपको यही नाम बताने हैं, राइट। इसमें हालांकि आप IBM हटा सकते हैं, क्योंकि IBM अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, राइट। कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग क्लाउड सॉल्यूशन, आपने जब भी क्लाउड सॉल्यूशन लेना है किसी भी वेंडर से, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं, चाहे आप AWS से लेते हैं, चाहे आप गूगल से लेते हैं, आपने किन बातों का ख्याल रखना है दोस्तों, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। बिजनेस कंसिडरेशन, डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, सर्विस लेवल कंसिडरेशन, प्राइसिंग, होस्टिंग एंड ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन, कॉन्टीजेंसी एंड रिकवरी मैनेजमेंट, एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी कंसिडरेशन। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने कंसीडर करने हैं जब भी अपना क्लाउड सॉल्यूशन लेना है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आते हैं बिजनेस कंसिडरेशन पे। दोस्तों बिजनेस कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है कि पहले आपने ये देखना है कि यार मेरी जरूरत क्या है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर चलाना है, मेरी एक एप्लीकेशन मुझे चलानी है क्लाउड पे, तो फिर मेरे लिए आई थिंक सेल्स फोर्स बेस्ट होगा, बिकॉज सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट स्टोरेज है तो गूगल मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे कुछ सर्वर्स चाहिए विंडो के, तो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मेरे लिए बेस्ट होगा या फिर AWS मेरे लिए बेस्ट होगा। तो बिजनेस कंसिडरेशन मैटर करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्लाउड वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए स्पेसिफिक मार्केट वर्टिकल सच एज हेल्थ केयर, बैंकिंग और रिटेल, इट इज रिकमेंडेड टू चूज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विद वास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन द सेम इंडस्ट्री।
देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अगर हेल्थ केयर, बैंकिंग या कोई भी सेक्टर में आप काम करते हैं, सपोज आपकी खुद का बैंक है और बैंक के लिए आप एक क्लाउड वेंडर ढूंढ रहे हैं, तो आप उस वेंडर को अप्रोच करिए जिसने ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, जिसके पास प्रोजेक्ट्स रहे हैं बड़े बड़े, जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिसने सिक्योरिटी अच्छी दी है, आप उस वेंडर को प्रेफर करें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे वेंडर को प्रेफर कर रहे हैं जो आपको सस्ता ऑफरिंग दे रहा है मार्केट में, सस्ता प्रोडक्ट आपको दे रहा है कि यार ठीक है मैं आपको औरों से सस्ता सर्विस प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसको एक्सपीरियंस कोई नहीं है बैंकिंग फील्ड का। तो आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, आप हमेशा उसी को सिलेक्ट करिए जिसको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो आप उस फील्ड में काम करने का, राइट? तो बिजनेस कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डेटा ही सिक्योर नहीं है तो फिर बेकार है क्लाउड पे जाना, राइट? तो वर्किंग विद ए ट्रस्टेड ट्रस्टेड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज द की टू मैनेजिंग द वेरियस सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज दैट अराइज विद इन द क्लाउड। द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट एड्रेस ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया विद सॉल्यूशंस दैट आर इन अधेरेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द इंडस्ट्री, राइट? तो देखिए, आपकी सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है बैंकिंग सिस्टम के लिए अलग सिक्योरिटी की जरूरत हो और हेल्थ केयर के लिए अलग सिक्योरिटी की जरूरत हो। आप सबको सेम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हर लेवल पे अलग सिक्योरिटी, हर एप्लीकेशन के लिए अलग सिक्योरिटी टाइप की जरूरत पड़ेगी। तो वेंडर को इस चीज की समझ होनी चाहिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को इस चीज की समझ होनी चाहिए और आपके डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ या जिस पे मैं माइग्रेट करने वाला हूँ, अपने डेटा को लेके जाने वाला हूँ, वो डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करने वाला है, सेफ्टी के लिए उनके पास क्या क्या फीचर्स है, राइट? तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। फिर तीसरा है, व्हाइल चूजिंग ए क्लाउड सर्विस वेंडर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कोई भी अगर आप क्लाउड वेंडर सिलेक्ट करते हैं, AWS हो चाहे Azure हो चाहे गूगल क्लाउड हो, तो आपने इन पैरामीटर्स का भी ख्याल रखना है, जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब है कि कंपनी के कायदे कानून क्या है। ऐसा ना हो कि कंपनी बताती कुछ है, बोलती कुछ है, बाद में कहे नहीं ये देखिए डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप जो है हम पे जुर्माना नहीं लगा सकते या आप 2 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस तरह की चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको पता होनी चाहिए उस वेंडर के, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। सेग्रीगेशन ऑफ डेटा इन द मल्टी टीनेंट एनवायरमेंट, राइट? सेग्रीगेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन ऑफ डेटा का मतलब है कि आपका जो डेटा है, भले ही देखिए क्लाउड में मल्टी टीनेंट एनवायरमेंट होता है, मल्टी टीनेंट एनवायरमेंट का मतलब होता है एक होस्ट है और उसके ऊपर बहुत सारे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रखे हैं, दैट इज मल्टी टीनेंट एनवायरमेंट। तो ऑब्वियसली कि आपका एक सर्वर चल रहा होगा, किसी दूसरी कंपनी का भी सर्वर चल रहा होगा, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, राइट? तो सेग्रीगेशन ऑफ डेटा इन मल्टी टीनेंट एनवायरमेंट का मतलब है कि आपका डेटा आइसोलेट होना चाहिए, दूसरे से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे सर्वर के साथ या दूसरी वर्चुअल मशीन्स के साथ, राइट? तो आपका डेटा बिल्कुल आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेशन में होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा रिकवरी। तो यार क्लाउड वेंडर के पास डेटा रिकवरी के क्या क्या ऑप्शन है, ये जरूर आप उनसे पूछें जब भी आप उस वेंडर को सिलेक्ट करें या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें। प्रिविलेज क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए, लॉजिकल लेवल पे क्या प्रिविलेजेस आपको मिली हुई है, फिजिकल लेवल पे क्या प्रिविलेज मिली हुई है, क्या आप उनके डेटा सेंटर को विजिट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, क्या वर्चुअल मशीन्स को कोई और भी एक्सेस ले सकता है जरूरत पड़ने पे, ये सारे प्रिविलेजेस आपको मालूम होने चाहिए, राइट? पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। देखिए अगर कल को कोई डिजास्टर आ जाता है, सपोज के भूकंप आ जाता है, डेटा सेंटर पूरा तबाह हो जाता है, उस केस में क्या मैं अपने डेटा को माइग्रेट कर सकता हूँ, क्या मैं अपने डेटा को हार्ड डिस्क में या बड़े बड़े जो स्टोरेज होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनमें स्टोर करके लेके जा सकता हूँ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि मैं चाहता हूँ मैं आपके डेटा सेंटर से सारा डेटा निकाल के एक हार्ड डिस्क में और मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या पोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा इज पॉसिबल और नॉट, तो ये भी आपको पूछना है उनसे। उसके बाद आता है डेटा प्रोविनेंस। डेटा प्रोविनेंस का मतलब है कि आपका डेटा कितना वैलिड है और डेटा पे कोई ऐसा तो नहीं है डेटा में छेड़छाड़ कोई कर सकता हो, तो डेटा आपका कितना इंटैक्ट है, डेटा के साथ जो भी डेटा भेजा गया है वो एज इट इज होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आपको रेगुलर रिपोर्ट्स मिलती रहनी चाहिए कि कितने थ्रेट या अटैक आए थे, कितने उन्होंने रोक दिए, ब्लॉक कर दिए, कितनों को ये ब्लॉक नहीं कर पाए, ये रिपोर्ट्स भी वेंडर को आपको देनी पड़ेगी। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, डेटा इंक्रिप्शन तो ये सिक्योरिटी का ही पार्ट है, तो इसके लिए वेंडर क्या क्या काम कर रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट?
तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जब आपको वेंडर सिलेक्ट करना है तो इन पैरामीटर्स पे आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए और उसके बेसिस पर ही आप वेंडर को सिलेक्ट करें। सर्विस लेवल कंसिडरेशन, इसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट स्लाइड में भी मैंने, लास्ट मॉड्यूल में भी मैंने डिस्कस किया था। मतलब इसका यही है कि यार आपको ये जो सर्वर है वो कितने टाइम तक अप मिलेगा, राइट? कितना आपको सर्वर अवेलेबल मिलता है, कितने टाइम के लिए? सपोज 100 घंटे में आपको सर्वर जो है वो 100 के 100 घंटे अवेलेबल मिला है, 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब आपका सर्विस जो अप टाइम है वो कितना है, 100% है, राइट? अगर वो 1 घंटा सर्वर डाउन रहा है 100 घंटे में से, तो आपका अप टाइम कितना है, 99% है, राइट? तो जिस तरीके से आप निकालेंगे कि यार मेरा सर्वर कितना अप रहता है कितना डाउन रहता है, तो ये जितना अच्छा होगा इसका मतलब सर्विस उतनी ही अच्छी है उस सर्विस प्रोवाइडर की, राइट? व्हेन डिटरमाइनिंग द सर्विस लेवल ऑफ ए क्लाउड वेंडर, देयर आर एसेंशियली 3 फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ नाइंस मेंशन इन द एसएनए। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जनरली प्रॉमिस देयर अवेलेबिलिटी बाय ए गारंटेड अप टाइम ऑफ 99.9% और 99.999% अप टाइम फॉर एन एंटायर ईयर, राइट? व्हाइल अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस इज क्रूशियल, द स्पीड एट व्हिच इट हैंडल्स द बिजनेस क्रिटिकल ऑपरेशन हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस आउटकम। द रिलायबिलिटी ऑफ ए क्लाउड वेंडर इज डिटरमाइंड थ्रू इट्स ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस, राइट? सिंपल सी बात है, इन्होंने सिर्फ ये बात बताने की कोशिश करी है कि कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको कोशिश करता है बेहतर सर्विस देने की, जिसके लिए वो आपको एसएलए प्रोवाइड कराता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो आपको जो गारंटीड अप टाइम देगा वो 99.9% से लेके 99.999% तक का अप टाइम गारंटीड आपको देते हैं कि आपका सर्वर इतनी देर के लिए अप रहेगा। 99.9 से मतलब है कि अगर आपका 100 घंटे का सर्वर 100 घंटे चल रहा है, तो 99.9 का मतलब हो गया कि आपका सर्वर जो है वो लगभग लगभग 5 मिनट आपका डाउन रहेगा पूरे साल में, राइट? आई थिंक 5 या 10 मिनट इसमें आना चाहिए, राइट? तो 10 मिनट के आसपास आएगा, तो 10 मिनट आपका सर्वर डाउन रहेगा, राइट? तो ये चीजें हैं जो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सर्विस लेवल कंसिडरेशन, हर क्लाउड वेंडर आपको इस लेवल का एग्रीमेंट देता है, जनरली सभी क्लाउड वेंडर, चाहे वो एज्योर हो, चाहे वो AWS हो, चाहे वो गूगल हो, सभी के पास सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे। लेकिन आपको याद रखना होगा, अगर 99.9% का अप टाइम आप गारंटीड अप टाइम लेना चाहते हैं तो इसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, और 99.999% का अप टाइम अगर गारंटीड आप लेना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें आपको अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा मिल रही है, उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा क्रूशियल होगा आपके लिए अगर आपने ये वाली सर्विस ली है, तो वो आपको ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, बिकॉज आपने ज़्यादा पे किया है इस सर्विस के लिए, राइट? तो सर्विस लेवल कंसिडरेशंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप क्लाउड सर्वर वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, राइट? उसके बाद आता है प्राइसिंग स्ट्रक्चर। यार देखिए, प्राइसिंग स्ट्रक्चर वेरी करता है, AWS का प्राइसिंग स्ट्रक्चर अलग है, एज्योर का अलग है, गूगल क्लाउड का अलग है। जो मार्केट में नया है, जिसने कम काम किया, ऑब्वियसली वो आपको सस्ता भी देगा, का सस्ती सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन सिर्फ आपको सस्ता ही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपका डेटा अवेलेबल कितना टाइम रहता है, आपकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, वो क्लाउड वेंडर का मार्केट में जो है रेस्पॉन्स कैसा है, मार्केट में इमेज कैसी है, ऐसा तो नहीं है उस पर वायरस अटैक बहुत ज़्यादा होते हों, डेटा लीक होने की खबरें आती रहती हों उस वेंडर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी मैटर करेगा। देखिए, प्राइसिंग स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो आपको बोले कि ठीक है जी, आप क्लाउड पे आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, 10,000 रुपये का खर्चा आएगा महीने का, लेकिन 10,000 उसने बेस प्राइस आपको बता दिया, पता चला जब आप क्लाउड पे गए तो आपका 70,000 का खर्चा आ रहा है महीने का। आप बोलोगे यार आपने 10,000 बोला था, खर्चा आ रहा है 70,000 रुपये। वो बोलेगा सर वो तो मैंने आपको बेस प्राइस बताया था, 10,000 से तो स्टार्टिंग है हमारी, आपने जो सर्विस लिया उसमें तो 70,000 का खर्चा आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में ही आपको बता दे कि खर्चा कितना आएगा आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सार सब कुछ समझने के बाद वो आपको एग्जैक्ट फिगर बताए कि भैया इतना खर्चा आने वाला है, राइट? हिडन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, राइट? तो द प्राइसिंग ऑफर्ड बाय वेंडर मे डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर लाइक सिक्योरिटी लेवल, स्टोरेज स्पेस एंड सो ऑन। यस, अगर आपको वो अच्छी सिक्योरिटी दे रहा है, ज्यादा स्टोरेज दे रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस भी ज्यादा लेगा, राइट? तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब आता है ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन। यार देखो, इसका मतलब ये है
अभी जैसे हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जो डेटा है, जो हमारे कस्टमर्स का डेटा है, वो आप बाहर नहीं ले जा सकते, हमारी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाएगी, आधार का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाएगा, इंडिया से बाहर ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं जाने देना चाहते। वाई? बिकॉज आपका इन्फॉर्मेशन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अमेरिका में पड़ी हुई है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, उसने कहा कि ठीक है जी आप क्लाउड सर्विस ले रहे हो ले लो, उन्होंने आपका डेटा जो है अमेरिका में स्टोर कर दिया। अब अमेरिका से आपको अपना डेटा मंगाना है कि यार मैं नहीं चाहता मेरा डेटा अमेरिका में रहे, वो कहेंगे नहीं जी अब तो अमेरिका का रूल है कि जो डेटा अमेरिका में आ गया वो इंडिया में वापस आ ही नहीं सकता, आपको एक कॉपी तो अमेरिका में रखनी ही पड़ेगी। तो ये कंसिडरेशंस हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, क्या वो कंपनी अपने काम के लिए उन्होंने किसी कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसा रूल तो नहीं बनाया हुआ अपने एग्रीमेंट में कि हम जब भी चाहें आपका डेटा देख सकते हैं या उसे अमेरिका लेके जा सकते हैं, अमेरिका में स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कोई हिडन रूल तो नहीं बना हुआ उनका। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको कि ये वेंडर मेरा डेटा कहाँ स्टोर करेगा, क्या मैं उस डेटा को इंडिया में ही रख सकता हूँ, मेरा डेटा कभी बाहर ना जाए, मेरा डेटा कभी कहीं और लीक ना हो, इन सारी चीजों की श्योरिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। देखिए एज्योर के जगह जगह दुनिया में 52 कंट्रीज में उनका डेटा सेंटर बना हुआ है, राइट, इंडिया में भी है। आप कहते हो यार मुझे मेरा डेटा इंडिया में नहीं रखना, मुझे मेरा डेटा कनाडा में रखना है, मैं कनाडा में ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि मेरा डेटा वहाँ ज़्यादा सिक्योर रहेगा, तो ऑब्वियसली आप कनाडा में भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड का यही बेनिफिट है, राइट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना दूर अपने डेटा को स्टोर करेंगे खुद से, उतना ही स्लो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। सपोज आपकी कोई वेबसाइट है, आप वो वेबसाइट चला रहे हो इंडिया में बैठ के, आपके कस्टमर सारे इंडिया के हैं और वेबसाइट आपने कनाडा में बनाई हुई है, कनाडा के क्लाउड पे स्टोर की हुई है, तो इंडिया के कस्टमर जब भी उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, वो वेबसाइट देर से ओपन होगी। रीजन? क्योंकि वो स्टोर इतनी दूर की हुई है आपने। तो आपको याद रखना है अगर आपका आपकी एप्लीकेशन इंडिया में ज्यादा चलती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इंडिया में ही उसको स्टोर करें, राइट। तो वो ऑप्शन आपको मिलता है क्लाउड पे जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं कि आप किस लोकेशन पे इसे क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, इंडिया में करना चाहते हैं या कनाडा में करना चाहते हैं। अगर लोकेशन के बारे में आपको कोई डाउट है तो मेरे AWS के वीडियोस, कोई भी वीडियो आप देख लो लैब के, आपको समझ आ जाएगा कि रीजन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, राइट। योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मे कैरी योर डेटा अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन इन वेरियस ज्योग्राफिक रीजंस टू मिटिगेट रिस्क सच एज लोकलाइज्ड आउटेज, सर्विस लेटेंसी एंड इंक्रीज कॉस्ट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपके डेटा को बाहर भी लेके जा सकता है, आपकी मर्जी के बगैर भी लेके जा सकता है, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में लिख दिया होगा ऐसा, तो आपको खतरा हो सकता है। तो आपने वो सारी चीजें उससे डिस्कस करनी है, राइट। एंटरप्राइज मस्ट लर्न अबाउट द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द डेटा एज द लॉ गवर्निंग द स्टोरेज एंड यूज ऑफ डेटा वेरी विद डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस। तो हर कंट्री के अपने कायदे कानून है, जैसे इंडिया ने बना दिया कि भाई इंडिया से बाहर निकल नहीं जा सकता, तो बहुत सारी कंपनीज कह रही है तो फिर हम इंडिया में काम नहीं करेंगे। ऐसे चाइना के रूल है, चाइना गूगल को अलाउ नहीं करता, फेसबुक को अलाउ नहीं करता, चाइना ने बैन किया हुआ है गूगल को फेसबुक पे, उनका कहना है कि भाई आप हमारा डेटा बाहर लेके जाओगे तो हम आपको एंटर ही नहीं करने देंगे, हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये गारंटी दे दो कि गूगल चाइना का डेटा चाइना से बाहर नहीं लेके जाएगा तो मैं चाइना को काम करने दूंगा, तो गूगल को काम करने दूंगा चाइना में, तो गूगल ने मना कर दिया तो चाइना ने उसको बैन कर दिया, राइट। तो ये कंट्रीज के रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हर कंट्री के अलग कायदे कानून है, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जो क्लाउड ले रहे हो, जिस कंट्री में आप ले रहे हो, वहां के आईटी लॉस क्या है, वहां के साइबर लॉस क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन दैट विश टू लिमिट द ज्योग्राफिक लोकेशन ऑन एनी ऑफ द अबव बेसिस मस्ट प्रैक्टिस केयर वाइल चूजिंग देयर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जब भी आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस का भी ख्याल रखें कि मुझे किस रीजन में क्रिएट करना है, किस रीजन में क्लाउड में किस रीजन की क्लाउड सर्विस लेने से मुझे फायदा हो सकता है, बिकॉज रीजन वाइज सर्विसेज भी कई बार अलग अलग होती है, राइट। कॉन्टीजेंसी एंड रिकवरी मैनेजमेंट, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई तूफान आ जाता है, अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जो अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक से कुछ हो जाता है, तो मेरे पास डिजास्टर रिकवरी के ऑप्शन क्या है, क्या मेरा डेटा जो है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा या मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपने क्लाउड वेंडर से बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर कल को कोई तूफान आ जाए, तुम्हारा खुद का डेटा सेंटर टूट जाए, तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका क्या है मेरा डेटा वापस लाने का, तो वो बोलेंगे जी मेरी एक कॉपी इंडिया में स्टोर है, दूसरी कॉपी अमेरिका में स्टोर है,
अगर इंडिया में अर्थक्वेक आ गया, मेरा डेटा सेंटर टूट गया, तो अमेरिका से मैं आपको रिकवर करा दूंगा, राइट? तो ये इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो आपको क्लाउड वेंडर से ये भी पूछना पड़ेगा कि यार आपने क्या किस तरीके की आप डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस मुझे प्रोवाइड कराएंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, और आपका डेटा सेंटर में या मेरा डेटा लॉस हो जाता है वहां से डेटा सेंटर में से, तो आप मुझे कैसे रिकवर करके देंगे? तो हर कंपनी के पास, हर क्लाउड वेंडर के पास डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन होता है, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और उसमें एक आपका डेटा एज इट इज डेटा की रेप्लीकेशन दूसरी जगह होती रहती है। आपने जहाँ जो भी काम किया उसकी एक कॉपी दूसरे रीजन में क्रिएट हो रही होती है, जिससे कि ये होता है कि अगर कल को यहाँ का डेटा लॉस भी हो गया पूरे का पूरा, तो वहां से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं और आपका आपका खुद का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट? तो ये एक अच्छी चीज है। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस हैं और क्लाउड वेंडर आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, तो आपको ये भी उनसे पूछना पड़ेगा। उसके बाद एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन में क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स विद सिग्निफिकेंट एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एक्नॉलेज दैम टू हैव ए स्मूथ रिलेशनशिप विद दिस सर्विस प्रोवाइडर एंड टू एंश्योर दैट देयर इज नो फाइनेंशियल लॉस इन द फॉर्म ऑफ लीगल पेनल्टीज, राइट? तो देखिए, इसमें एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन में सिर्फ इतना है कि कल को अगर कंपनी ये कहती है यार मेरा डेटा लॉस हो गया, कंपनी के कोई वायरस अटैक हुआ और मेरा डेटा लॉस हो गया और मेरे सारे कस्टमर मुझे छोड़ के चले गए, मेरी कंपनी जो है बंद होने की कगार पे आ गई, तो मैं तो बर्बाद हो गया उसकी गलती की वजह से, क्लाउड वेंडर की गलती की वजह से, जिसने अच्छी सिक्योरिटी मुझे नहीं दे पाया और मेरा सारा डेटा लॉस हो गया। तो ऐसे में लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? क्या मैं उस पर कोई केस कर सकता हूँ? ये चीजें, क्या हिंदुस्तान के कानून ऐसे हैं कि वो मैं उस पर केस कर सकूँ? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है, क्या हम उस पर केस कर सकते हैं? तो वो लीगल कंसिडरेशंस आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, AWS पे, या क्या उन्होंने अपने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि हाँ आप हम पे केस कर सकते हैं अगर कल को हम आपको अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप फेलियर ऑफ सिक्योरिटी या प्राइवेसीज, अगर कोई आपका सिक्योरिटी में फेलियर होता है, प्राइवेसी में कोई फेलियर होता है, तो क्या आप उन पे केसेस कर सकते हैं? ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको इंडिया के कायदे कानून मालूम होने चाहिए, फिर उस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए, एग्रीमेंट की एक लाइन आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में अगर कुछ गलत होता है तो आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकें, राइट? तो एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है जब आपको क्लाउड वेंडर सिलेक्ट करेंगे। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी सिंपल सी बात है, हजारों बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके साथ, कि फ्यूचर में अगर कभी आपकी कंपनी ग्रो करती है तो क्या वो क्लाउड वेंडर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ आप अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। अभी अगर आपने 500 GB ली हुई है, तो फ्यूचर में आप उसे 5,000 GB कर सकते हो, 10,000 GB कर सकते हो। आज आपने 4 सर्वर लिए हैं, आप कल को 6 भी कर सकते हो, उन्हें बढ़ा के 8 भी कर सकते हो। क्या ये स्केलेबिलिटी वेंडर मुझे प्रोवाइड कर रहा है, या वो ये कहता है नहीं आपने अगर आज 4 ले लिए तो फिर 4 ही रहेंगे, वो 8 नहीं हो सकते। तो ये चीजें भी आपको पता करनी है क्लाउड वेंडर को सेलेक्ट करते टाइम कि क्या स्केलेबिलिटी वहां पे अवेलेबल है। बट मैं आपको बता दूं, सभी क्लाउड वेंडर्स स्केलेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट? तो सभी में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप फ्यूचर में, अभी आपने कम स्टोरेज लिया बट फ्यूचर में आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी आपने कम सर्वर लिए फ्यूचर में आप उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सभी क्लाउड वेंडर्स में मिलती है, राइट? तो ये हो गया स्केलेबिलिटी। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाउड के लिए बड़ी फेमस है, जिनमें NIST बड़ी फेमस है, जिसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूरी दुनिया में चलती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है, ओपन ग्रिड फोरम है, ओपन क्लाउड कंसोर्टियम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इन्हें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने देख लीजिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया नया है। बट NIST फेमस है US का, जो क्लाउड के लिए स्टैंडर्ड्स डिजाइन करते हैं, राइट? कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज जो भी आते हैं, या क्लाउड लेने पे जनरली जो इश्यूज जनरली आते हैं क्लाइंट साइड से, वो क्या हो सकते हैं? वंस यू हैव चूजन द राइट क्लाउड वेंडर एंड इक्विप योरसेल्फ विद द राइट एक्सपर्टीज फॉर द क्लाउड, हेयर इज ए लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज टू बी रिमेंबर टू मेक द क्लाउड जर्नी जर्नी एज स्मूथ एज पॉसिबल। देखिए, पहला तो प्रॉपर नेगोशिएशन ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो एक नेगोशिएशन आप कर सकते हैं कि भाई आप बड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हो 99.9 के लिए, एक काम करो थोड़ा रेट कम कर लो,
या मुझे इसी रेट में 5 times 9 यानी 99.999% का सर्विस लेवल एग्रीमेंट आप मुझे प्रोवाइड करा दो, तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। वेंडर लॉक इन, ये एक इशू आ सकता है कि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट में लिखा हो कि आप 2 साल से पहले हमें छोड़ के नहीं जा सकते दूसरे क्लाउड वेंडर के पास, तो ये सारी चीजें आपको एग्रीमेंट में ध्यान से पढ़नी है। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब है कि आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो जिस तरीके से आपने उसमें हार्डवेयर लगाया हुआ है और जो क्लाउड में है, क्लाउड में अगर एप्लीकेशन अलग तरीके से चलती है तो आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है कि क्या ये मेरे अभी जो एप्लीकेशन है क्या ये डायरेक्ट वहां पे चल जाएगी या मुझे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे वहां पे चलाने के लिए, तो वो भी आपको देखना है। कंप्लाइंसिस का मतलब वही है, कायदे कानून क्या है क्लाउड वेंडर के, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ हिडन चीजें हो, हिडन कुछ नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके की प्रोवाइड करा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली क्लाउड वेंडर सेलेक्ट करने के बाद यही सारे इश्यूज हैं जो आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वेंडर लॉक इन से रिलेटेड, सर्विस लेवल एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्कस कर लेनी है उनसे पहले ही, बिकॉज फ्यूचर में इश्यूज जो आते हैं वो इन्हीं सब जगह से आते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरा लेक्चर जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी मुल्क से पढ़ रहे हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये लेक्चर कहां से पढ़ा है और आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के और भी लेक्चर्स सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। राइट, इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक गुजारिश और करूंगा कि अगर आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आप सभी व्हाट्सएप यूज करते होंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें, बजाय इसके कि हम हंसी मजाक के चुटकुले शेयर करें, जोक को शेयर करें, कुछ अच्छी नॉलेज की चीज शेयर करिए जिससे कि ये एजुकेशन जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। राइट दोस्तों, आई होप कि आप ये काम जरूर करेंगे अगर आपने मेरा लेक्चर एंड तक सुना है, और तब तक के लिए शुक्रिया अगले लेक्चर तक के लिए, और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, दुआओं में याद रखिए।